नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार। आईटीआई सिलेबस के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सबको समझा रहा हूँ। पार्ट वन वीडियो आपने देखा, प्रोजेक्शन के बारे में समझा, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें एक टाइप सा हमारा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में हम आज समझेंगे। अभी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन के तौर पे हमने एक फिगर बनाया और उसी को हम यहाँ पे पुनः एक बार फिर से बना कर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं किसको है, बनाते कैसे हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का भाग है, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी कि ये थ्री डायमेंशनल होता है, तीन व्यू होते हैं, इसमें तीन एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे तीन एक्सिस होते हैं, तो पहला एक्सिस होता है हमारा कितना 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे होता है, और बाकी जो बचा दो एक्सिस वो कितने डिग्री पे होते हैं 30-30 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे 30-30 डिग्री पे होता है। तो 30-30 डिग्री पे होता है तो किससे, मतलब जो हमारा प्लेन, मतलब जिसको हम बेस मान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमारा 30 डिग्री पे, दो एक्सिस 30 डिग्री पे होगा और एक एक्सिस हमारा 90 डिग्री पे होगा। किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जो हमारा बेस लाइन होगा। तीन व्यू की बात करें तो तीन व्यू इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा इस फिगर में कि आपको देख रहा होगा कि ये फ्रंट, ठीक है। तो पहला व्यू तो हमारा ये हो गया, दूसरा व्यू आप देख रहे हैं कि साइड, ठीक है। तो साइड की ओर से हम जब देखेंगे किसी वस्तु को, उसका साइड को हमको नजर आता है, ये इसमें दिख रहा है आपको। ऊपर से हम देख रहे हैं तो टॉप, टॉप को हम प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉप और फ्रंट, ये दो नाम से जाना जाता है। पहला एलिवेशन को हम फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, या फ्रंट को हम एलिवेशन बोलते हैं, प्लान को हम टॉप बोलते हैं, टॉप को हम प्लान बोलते हैं, लेकिन साइड का नाम एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थ्री व्यू के बारे में समझ गए कि तीन व्यू का होता है। अब क्या है कि जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमें तीन एक्सिस की आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम तीन एक्सिस को खींचते हैं। सबसे पहले हमने बेस लाइन खींचा, ठीक है, इस बेस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। तो उसके बाद हम फिर से पुनः क्या कर रहे हैं कि तीन एक्सिस, पहला एक्सिस हमारा 90 डिग्री, चलिए पहला एक्सिस हमने 90 डिग्री का खींच लिया, ठीक है, इससे 90 डिग्री है। दूसरा एक्सिस हमारा क्या है 30 डिग्री पे है। तीसरा एक्सिस क्या है 30 डिग्री पे है। ये और ये, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पे है, ये भी और ये भी। चलिए ये बात तो समझ गया कि इससे 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, और पहला एक्सिस जो हमारा था वो 90 डिग्री पे था हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब चलते हैं कि इस लाइन पे जो हमारा राइट हैंड की तरफ जो है, जो लाइन आया है हमारा एक्सिस मान लेते हैं, चलिए मतलब जो है एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो जेड एक्सिस पर कौन सा भाग होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस तरफ जो है राइट हैंड की तरफ फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू का जो लंबाई होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा जेड एक्सिस पे होगा। किस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना मेजरमेंट इसका है 70 mm, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे कितने 70 mm का। चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया कि ये 70 mm है, और यहाँ से इधर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड व्यू हमारा है, ये साइड व्यू का जो इसमें लंबाई दिया हुआ है वो हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, कितना आएगा 50 mm। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो सकता है, ये कितना 50 mm, और ये हमारा कितना था 70 mm। चलिए हमने ये दो एक्सिस के बारे में तो मतलब जो है पे हमने रेखा खींच दिया, डायमेंशन अपना ले लिया। अब रह गया तीसरा जो बच गया हमारा 90 डिग्री वाला, जो हमारा बाई एक्सिस था, बाई एक्सिस जो हमारा था, अब इस पे जो हमारा जो 90 डिग्री पे ये गया हुआ है, ये कितना गया हुआ है, तो हम देखेंगे इसको आगे बढ़ा के इधर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 mm का। चलो हम इसको मेजर किए, इसी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। चलिए पहले 70 था, तो हमने 70 ड्रॉ किया, ठीक है।
चलिए ये 50 है, चलिए हमने इसको 50 ड्रॉ किया, चलिए थोड़ा सा आगे होगा। अब क्या है 20 है, 20 है, ये 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री पे हमने ऐसे 20 को ड्रॉ किया। अब क्या है, जैसे जैसे ये हम देख रहे हैं फिगर में, ठीक उसी प्रकार इसमें जो भी लाइन होगी आपस में एक दूसरे के समानांतर होगी, ठीक है। जैसे अब इस तरफ की ओर जो भी रेखा जाएगी हमारे राइट हैंड की तरफ, तो जो नीचे वाला हमारा 70 एम एम का जो 30 डिग्री पे हम लाइन खींचे उसी के समानांतर आगे भी चलेगा। जैसे यू देखिए, यहाँ से 20 एम एम यहाँ 90 डिग्री पे है, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री पे है, यहाँ पे 20 एम एम, चलिए इसको हमने 20 एम एम खींचा। अब क्या है कि ये रेखा देखिए आपस में, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जो आई है ये आपस में क्या है, सब क्या एक रेखा है, यानी कि इसके समानांतर ही है, इसके जस्ट ऊपर में है, इसके समानांतर है, तो इसी के समानांतर हम यहाँ पे आएंगे। ऐसे भी देखिए यहाँ पे 20 एम एम, उधर भी 20 एम एम, अब लाइन खींचेंगे तो पैरेलल खींचाएगा, ये खींचाएगा, तो ये रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए हम इसे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हाँ, रह गई बीच में देखिए गैप, ठीक है, बीच में गैप है, तो कितना गैप है, तो यहाँ पे ऊपर आइए देखिए कितना है, 30 है, 30 एम एम है, 30 एम एम को हम गैप मतलब जब कर देंगे ये, तो फिर क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से क्या है, 20 एम एम छुटा हुआ, देखिए 20 एम एम इधर है, ये 30 है, तो बाकी जो बच गया ये 70 था, तो बच गया कितना, 20 ही बच गया, चलिए 20 बच गया, तो 20 इधर से, 20 इधर से इसको मेजर कर लेंगे, चलिए 20 ये बचा, 20 इधर बचा, चलिए 20 बच गया, बीच वाला जो लाइन हम ड्रॉ किए थे सीधा उसको हम इरेज कर देंगे, या तो नहीं भी आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इरेज करने की आवश्यकता नहीं होगा, डायरेक्ट आप ऐसे रखोगे स्केल और यहाँ से 20 एमएम इधर खींच दोगे, इधर से इधर 20 एमएम खींच दोगे, बाकी बीच में छोड़ दोगे। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, इधर आते हैं इस लाइन पे, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री पे 20 एमएम गया हुआ है, 20 एमएम, अब देखिए कि ये इसके समानांतर यहाँ रेखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ, अभी पहले बताया था कि यदि इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी रेखा खिंचा रही है, ठीक है, वो उस दिशा में वो आपस में क्या होगा, समानांतर होगा, एक ही साथ चलेगा वो रेखा, देखिए इस प्रकार। अब है कि यहां से देखिए जो हमारा गैप है, गैप से 90 डिग्री पे आया है ऊपर, 90 डिग्री पे कितना आया है, यहाँ देखिए 40 एम एम लिखा हुआ है, है 40 एम एम लिखा हुआ है, 40 एम एम हम क्या करेंगे ऊपर से ले जाएंगे 90 डिग्री, ये देखिए चले गए। अब बचा कि देखिए इस तरफ जो भी रेखाएं चल रही है, ये इधर गई, यहां से क्या है हमारे राइट हैंड की तरफ चल रही है, हमारे राइट हैंड की तरफ ये रेखा जा रही है, यानी कि इसके समानांतर ये रेखा जो गया है जैसे खींचे हैं 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल लाइन से राइट हैंड की तरफ, तो यहां भी क्या होगा, ये 30 डिग्री पे ही जाएगा, जैसे ये गया सेम इसी लाइन को हम क्या करेंगे ऐसे आराम से बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, ये 20 एमएम है, उधर भी 20 एमएम है, ये भी 20 एमएम जाएगा, यानी कि उसके बाद क्या है, ये खींच देंगे तो ये इसके समानांतर, ये 20 एमएम, ये भी 20 एमएम, इसको अगर खींच देंगे तो ये देखा क्या है आपस में समानांतर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब है इसमें जो बचा बचा हुआ है, अब 90 यहाँ से क्या कितना गया, 90 डिग्री पे गया है ऊपर, कितना गया है 40 एम एम गया है, ये 40 एम एम यही वाला यहाँ पे भी है,
अब क्या है, इसी के समानांतर यहाँ पे होगा, यही रेखा आगे ऊपर आ जाएगा और यहाँ से एक रेखा देख रहे हैं गया हुआ है, तो इसके समानांतर है, यहाँ पे भी हम ऐसे रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसके इस रेखा के समानांतर यहाँ भी एक रेखा गया हुआ है, इतना सारा भाग बच गया। आप देख रहे हैं कि हमारा एक भाग और बच गया है, एक लाइन जो हमारा जो है वो छूट गया, कहाँ छूट गया, यहाँ पे छूट गया है। देखिए अब वो लाइन जो है क्या है कि हमारे लेफ्ट हैंड की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, लेफ्ट हैंड की ओर चल रहा है, तो इसके समानांतर यहाँ पे एक रेखा खिंचाएगा, ठीक है। इसी रेखा को हम ऐसे करके इधर बढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इधर जो 30 डिग्री पर हम ऐसे चले थे उसी को हम यहाँ पे 30 डिग्री के इधर लेके चले जाएंगे। और ये रेखा कितने एमएम का होगा, ठीक है, इसमें आपको मेजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये लाइन को जो है 90 डिग्री पे जो गया हुआ लाइन उसको टच कर जाए वहां पर छोड़ देना, ठीक है, जैसा मैंने कि छोड़ दिया। तो आप अभी देखा कि हमने ये फिगर सामने जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनी हुई, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको जो है सेट स्क्वायर से बनाना है। यदि ऐसा भी समझ में नहीं आया तो हम सेल्फ जो है आपको सेट स्क्वायर की सहायता से बनाकर अगले वीडियो को मैं डालूंगा, ठीक है, तब तक के देखते रहिए मेरे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।